सो हेलो माई लवली ऑडियंस, वेलकम बैक टू माई चैनल ऑनलाइन सिंड्रोम। तो अगर आप कोई बी टेक, बी सी ए, बी एस सी, एम टेक, एम सी ए या एम एस सी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आई मीन टू से कोडिंग स्टूडेंट्स हैं, तो आपने ऐसी पता नहीं कैसी कैसी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी ना कि 4 घंटे में फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाओ, 5 घंटे में डेटा एनालिसिस बन जाओ, क्रैश कोर्स ये वो। आप देखते हो, आप उनको देख के फैसिनेट होते हो कि हाँ मुझे चीज़ें आ रही हैं। बट मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले अबाउट माई प्लेसमेंट स्टोरी, तो उसमें मैंने अपनी प्लेसमेंट जर्नी और क्या क्या मैंने किया था वो सब मैंने उस पर दिखाया था। तो मेरे पे ना भर भर के उसी अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के डीएम आने लग गए। व्यूज़ ज़्यादा नहीं है बट हाँ, भर भर के डीएम ज़रूर आए बच्चों की क्वेरीज के कि अभी मैं कैसे प्लेसमेंट में बैठूँ। मैं कहा सिंपल, जो आती है कंपनीज उसमें ऑनलाइन टेस्ट दो, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करो। तो बच्चों के आंसर सुन लीजिए, आपको हंसी आ जाएगी कि मैं फाइनल ईयर में हूँ और 2 साल तो मैंने ऑनलाइन निकाल दिए। तो मैंने कहा नाइस, बट ऑनलाइन प्रॉब्लम क्या है? तो ऑनलाइन में उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। ये ऑनलाइन जब टेस्ट होते हैं ना, तो कोडिंग के जो टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, उनको क्रैक करना आई थिंक बहुत ईजी होता है, इतना कोई हार्ड काम होता नहीं है। राइटिंग का टेस्ट नहीं है, कोड राइट करना है। तो आप कुछ ना कुछ टूल्स वूल्स लगा के, दोस्तों के हेल्प लेके, सीटिंग शूटिंग करके अच्छे नंबर से पास हो जाते हो। किसी की 8 CGPA, किसी की 8.5 CGPA है, बट प्लेसमेंट में बुरा हाल है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। इसमें मैं कुछ अपने ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स आपको बताऊंगा, जो ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेसमेंट तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके प्लेसमेंट में हेल्प करेगी, प्लस आपके स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, थर्ड आप थोड़े बहुत पैसे भी आप कमा सकते हो उससे। तो यही सारी वीडियोज़ है जो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके प्रॉपर डिटेल में दिखाऊंगा। देखो, आपने 5-6 घंटे की क्रैश कोर्स अगर किया है, मेरी स्पेशलाइजेशन वेब डेवलपमेंट है, ठीक है? तो अगर आपने एक वीडियो देखी हो कोई भी 5-6 घंटे क्रैश कोर्स किया हो, आई मीन टू से कि कोई भी ले लो, अच्छा यूट्यूबर मॉश हो गए, कोडिंग हेल्प ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपने वीडियो देखी है, आपको बेसिक आ चुके हैं। बट एक रियलिटी चेक दूँ, आपने सारी चीज़ें ऑनलाइन करी है, आपने सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा है। ऑनलाइन का पता है ड्रॉबैक क्या है? अगर आपके कॉलेज में, आपके सेक्शन में 60-70 बच्चे हैं, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ग्राफ सबको ऊपर जा रहा है, 8 CGPA, 10 CGPA, बट जब आप रियलिटी में कोड करने बैठोगे ना विदाउट एनी एक्सटीरियर हेल्प, जो कि तभी होता है जब आप टेक्निकल राउंड में होते हो, ऑनलाइन टेस्ट भी कंपनीज का आप ईजी निकाल लेते हो, बट जब आप टेक्निकल राउंड में सामने बैठ कर करवाते ना, पेपर पे लिख दो, सूडो कोड लिख दो, जब ये चीज़ें आती है ना तो नहीं हो पाता कुछ। तो यही सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने ये जो भी कोर्स आपने किया है, कोडिंग के कोर्सेज, डिग्री आप एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आपने किया है, बट जब आप रियलिटी में आओगे तब बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करके अपना एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाला अपना प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, जो आपके प्लेसमेंट ये सब में हेल्प करेगा। आपने इतना टाइम जो वीडियो सीखा है ना, उन्हीं चीज़ों को सीख के आप इस मेथड पे यूज़ कर लो, तो आपका काम बन जाएगा इजीली। तो ये इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल कर देना सब्सक्राइब, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को, आ जाओ। सो हेलो माय लवली ऑडियंस, तो इस वीडियो में हमें देखना क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। देखो, हम इस वीडियो में ये ट्राई कर रहे हैं कि हमारी प्लेसमेंट ईजिली क्रैक हो जाए एंड कोई कंपनी को हम बेनिफिट दे पाएँ, ठीक है? देखो, कंपनी होती है ना, उसको ये मतलब नहीं चाहिए होता कि आपको कितने अच्छे से एल्गोरिथम लिखना आता है, आपको कितने अच्छे से लूप चलाना आता है, आपको कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रोग्राम रन करना आता है। नहीं यार, वो कंपनी ना किसी क्लाइंट के लिए काम कर रही होती है और क्लाइंट को एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है। तो मैंने वीडियो उस पर्सपेक्टिव से बनाया है कि हम कुछ ऐसा बना दे जिसको इंटरव्यू देख के एक सेकंड में बता दे कि हाँ भाई, ये बंदा जो हमें चाहिए अपनी कंपनी के लिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा फुल स्टैक क्या है, ठीक है? फुल स्टैक ये आप देख लेना, यहाँ से यही होता है फुल स्टैक। तो मेरा स्पेशलाइजेशन है वेब डेवलपमेंट में, तो मैं ज्ञान दूंगा आपको वेब डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ कुछ स्टैक है, स्टैक मतलब वही होता है फ्रंट एंड, बैक एंड और ये फलाना वो फलाना, सब कुछ आता हो जिसको, ठीक है? तो मेरे को ये पसंद है काफ़ी, ये दो वाले PHP में है ना, क्योंकि इसलिए। तो बट मतलब नहीं होता, आपको आपने रिएक्ट में किया हो, एंगुलर में किया हो, डजेंट मैटर, ठीक है? तो हमें एक स्टैक आना चाहिए पहली बात, तो मतलब बेसिक स्टैक के। और मैं मुझे पता है आपने बेसिक यहाँ पे कुछ देख ही लिया होगा, आप यहाँ पे कुछ क्रैश कोर्स करते होगे ना, जैसे कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्रैश कोर्स, तो आपने इनमें से ऐसे कुछ कोर्स किए होंगे, राइट? जैसे ये तो छोटे छोटे से हैं, जैसे 1 घंटे का है,
ऐसे ही बहुत सारे होंगे, 2-10 घंटे का है। ऐसे आपने कोई कोर्स किए होंगे, तो ये कोर्स अच्छे होते हैं, आपको अच्छी खासी बेसिक नॉलेज दे जाते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद अब हमें एक अच्छा खासा आइडिया कि ये आता है। बट आपको पता है, आपसे शायद हुआ भी होगा, आपने ये कोर्स लिख के आपने अपने सीवी में लिख दिया कि मुझे फुल स्टैक आता है। अब ना इंटरव्यू के पास ना यूनिवर्स है पूरा कि भाई फुल स्टैक में से इसको कुछ भी पूछ लेता हूँ, है ना। तो इस चक्कर में हम लोग रह जाते हैं। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे रिड्यूस करेंगे कि भाई वो हर चीज़ में से ना पूछे मुझसे, जो मुझे अच्छे से आता है वो मुझे वही पूछे। ये कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो देखो, हमें पहले स्किल आनी चाहिए, जो आपने ऐसी कोई 1-2 घंटे वीडियो देख के बेसिक सीख लिए, बेसिक आ गए हमें। अब हमें एक आइडिया चाहिए कि भाई मैं इस आइडिया पे काम करूं ताकि मेरा प्रोजेक्ट कोई पर्पस सॉल्व करे। अब पर्पस कैसे सॉल्व करे, आपकी हेल्प मैं कर देता हूं। अभी 90% जो अगर 100 बच्चे हैं ना, 100 बच्चे ये वाला आइडिया अपनाएंगे। आपका कोई आइडिया यूनिक होना चाहिए, बट अभी प्लेसमेंट सीजन है तो फटाफट कर लेते हैं। तो ये वाला आइडिया है, आप सिंपली सर्च करना क्लिनिक नियर मी, बहुत सारे क्लिनिक आ जाएंगे। आज समझिए कि हम क्या बनाने वाले हैं, हमें क्लिनिक के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, इजीली कोई ना कोई यूज़ कर लेगा। देखो, आप ऐसे ना 10-20 नंबर निकालना, उनको फ़ोन करना कि मैं ये सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, जिससे आप ना अपने पेशेंट को ट्रैक कर सकते हो कि पेशेंट कब आया है, कब गया है, उसने कब कितनी पेमेंट करी है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ कि आप इसे यूज़ करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 20 में से एक बंदा तो हाँ बोल ही देगा कि हाँ मैं यूज़ करूँगा। हमें मतलब नहीं है कि वो उसको एक महीना यूज़ करे, उसको हमेशा के लिए यूज़ करे, या फिर यूज़ करके बंद कर दे। हमें ये चाहिए कि इनिशियली उसको वो यूज़ कर ले, कि कमिटमेंट दे दे कि हाँ मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमारे पास एक आइडिया है, हमारे पास एक एंड यूज़र है, अब बीच का प्रोसेस हमें फुलफ़िल करना है। तो इसी में मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो देखो गाइस, मैं कंपनी में 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ, तो इतना मुझे पता है कि कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में क्या होता है। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनमें बेसिकली 4 फंक्शन बहुत यूज़ होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, क्रूड, जो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो हम भी एक ऐसा ही एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें सारी फंक्शनैलिटी कवर हो रही हो, क्रूड। दैट्स वाई मैंने ये वाला सिस्टम चूज़ किया है क्लिनिक का सॉफ्टवेयर। अब देखो, क्रूड में क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है क्रूड App in CodeIgniter। ये PHP की बात कर रहा हूँ, अगर आपने React किया हो तो React लिख देना, CodeIgniter। आपने Angular में किया तो Angular लिख देना, आपने Node पे किया तो Node लिख देना। बट मेरे को इसका अच्छा खासा आइडिया है, तो मैं आपको CodeIgniter का ही बताऊँगा। तो ये वाली पहली वीडियो आपकी आ जाएगी इस कीवर्ड पे। आप ये वाली वीडियो को अच्छे से देख लो, स्प्लिट स्क्रीन कर लो, एक साइड वीडियो चलने दो और वीडियो में जो बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट साथ बाय साथ करते रहो। अब आपके पास एक सिंपल क्रूड ऐप बन चुका है। बट आप बोलोगे यार इसमें तो बेसिक चीज़ सिखाई होंगी ना, कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कैसे करें। बट क्लिनिक में तो यार वो कस्टमर यूज़ करेगा, हज़ारों प्रॉब्लम दे देगा। वेट करो, उसी का सलूशन मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, मेरी खुद का ब्रांड है क्लिनिक मैनेजर, मैं भी यही कुछ सेल आउट करता हूं लोगों को, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। आप क्लिनिक कर रहे हो बट मैं हॉस्पिटल में करता हूं। तो अच्छा खासा आइडिया है क्या क्या होने वाला है। तो देखो, जिस कंपनी में काम करता हूं, उसके सीनियर ने मुझे स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी बात कही थी। एक अच्छा डेवलपर वही होता है जो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को रीड कर करके कोड में से थोड़ा कोड यहाँ से ले लिया, थोड़ा कोड वहाँ से ले लिया करके एक कस्टम मॉडल बना दे, वो एक बेस्ट डेवलपर या बेस्ट इंजीनियर होता है। तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। कैसे करेंगे एक सेकेंड। देखो, सबसे पहले एक वेबसाइट है codelist.cc, हमें इस पर जाना है, ठीक है। अब इसको आप कह लो ये कोड का टोरेंट है, कोड का टोरेंट है, यानी कि बने बनाए कोड आपको इसमें मिल जाएंगे। वायरस वायरस होते हैं तो थोड़ा संभल के। मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्च किया एडमिन, ठीक है। अब एडमिन में थोड़ा मुझे ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा बने रहना वीडियो में। तो ये देखो, ये वाला सेकंड पेज पे एडमिन प्रो, ये मैंने ओपन कर लिया। अब देखो ये क्या है, बेसिकली ये एक रेडीमेड कोड है जिसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड है। लॉग इन, क्लिनिक ओनर को चाहिए होगा ना, लॉग इन सिस्टम है इसमें। मल्टी यूज़र मैनेजमेंट, क्लिनिक पे एक ओनर होगा, एक डॉक्टर होगा और एक रिसेप्शन के बंदा होगा, तीनों के पास अलग अलग सिस्टम होंगे ना। जो ओनर है वो सब कुछ कर सकता है, लाइक सब डेटा देख सकता है, सब एडिट कर सकता है, सब डिलीट कर सकता है। डॉक्टर भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ कर सकता है, बट रिसेप्शन में शायद वो डिलीट ना कर सके, शायद वो बिना डॉक्टर के परमिशन के एडिट ना कर सके। तो इसको हम रोल्स एंड परमिशन या फिर मल्टी यूज़र मैनेजमेंट कहते हैं। प्लस ये हमारा CodeIgniter में बना हुआ है एंड इसमें बूटस्ट्रैप 4 इंक्लूडेड है, तो आपका फ्रंट एंड का काम भी हो गया। एडमिन एलटी बेसिकली एक थीम है, तो यहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही आप फाइल को डाउनलोड करोगे,
इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेटअप करना है अपने लोकल पे। आपके पास ये तो ज़रूर होगा अगर PHP में काम कर रहे हैं तो, वैम्प, राइट। वैम्प पे इसको आपको सेटअप कर लेना है। तो टेंशन ना लो, जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना, एक फाइल डॉक्यूमेंटेशन की भी होगी, उसको आप ओपन कर लेना एंड उसको देख के आप इसको सेटअप कर लेना। तो जब हमारा सेटअप होगा सिस्टम, ये कुछ ऐसा होगा। अब सिस्टम जब खुलेगा ना फर्स्ट टाइम, आप थोड़ा सा शॉकिंग फील करोगे कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे करूँगा, इतनी देख के इतना बड़ा लग रहा है, कौन करेगा इतना बड़ा कोड। तो हाँ देखो, अब हमारे पास एक चलता फिरता कोड है और हमने ये वीडियो देख के एक सिंपल ऐप तो बना ही ली है। तो इस सिंपल ऐप में ना आपने दो तीन व्यूज़ बनाए होंगे। पूरी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दो तीन व्यूज़ मतलब इसमें आपने एक व्यू बनाया होगा जिसमें आप ना डेटा ले रहे होगे। मैंने देखी हो तो मुझे आइडिया है। एक व्यू बनाते हैं पहला रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आप डेटा ले रहे होते हो। एक दूसरा व्यू होगा जिसमें आप डेटा देख सकते हो और उसी व्यू में आप एडिट डिलीट कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या कहा था, हम एक क्लिनिक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसके अंदर तीन फीचर्स स्टार्टिंग में रख लेना। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा पेशेंट का टाइमलाइन कि पेशेंट किस डेट को क्या कराने आया है, और तीसरा पेशेंट का पेमेंट डिटेल्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले व्यू पे काम करना है। तो पहला व्यू जो आपने रजिस्ट्रेशन का बनाया था उसी को आप एडिट कर लेना। तो देखो मैं बताता हूँ फिर से, ये एक सिस्टम है मेरा बनाया हुआ, तो इसमें बहुत सारे व्यूज़ हैं। अगर आपको आपको ये वाला कोड कस्टमाइज़ करना है तो वो भी कर लेना, अगर आपको ये करना है तो ये कर लेना। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, यहाँ से हटा लेना यार। कोई मतलब स्किल ही सीख रहे हो तो इसमें टाइम दे सकते हो अच्छा खासा, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसमें पढ़ाई भी सीख रहे हो, आप इसमें प्लेसमेंट के लिए भी सीख रहे हो, आप इसको पैसे कमाने के लिए भी सीख रहे हो, तो टाइम दे सकते हो इस पर। ठीक है, तो सारे फालतू व्यू हटा के आप यहाँ पे पहले तो देखो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको जो रख लेना। एक होता है रजिस्टर्ड पेशेंट, जिसमें हम पेशेंट को रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एक होगा पेशेंट डिटेल, जिसमें मतलब लिस्ट बन के आएगी। ठीक है, तो इन डिस्प्ले, एक को कहते हैं हम एंट्री डिस्प्ले, एक को कहते हैं हम व्यू डिस्प्ले। एंट्री व्यू, एंट्री व्यू याद रखना। तो पेशेंट का ये एंट्री, पेशेंट का ये व्यू। अब क्या कहा, दूसरा क्या कहा था मैंने, टाइमलाइन। टाइमलाइन का एक व्यू जिसमें हम डेटा लेंगे और एक टाइमलाइन का लिस्ट जिसमें हम डेटा शो करेंगे। एंड आखिरी एक पेमेंट का एंट्री जिसमें हम पेमेंट की डिटेल्स लेंगे और एक लिस्ट जिसमें हम पेमेंट की डिटेल्स शो करेंगे। तो ये हमारी तीन डिस्प्ले बन गई है, बाकी जो मैंने नहीं बताया उनको इग्नोर करो। अब हमें क्या करना है, देखो रजिस्टर्ड पेशेंट में एक फॉर्म है ना। यहाँ इस वीडियो में भी आपने एक फॉर्म बनाना सीखा होगा, और इस एडमिन LTE में भी आप अगर जाओगे फॉर्म्स में तो यहाँ पे आपको फॉर्म से कॉम्पोनेंट मिल जाएंगे। अब मैं प्रेफर ये करूँगा कि इस कोड में से उठाना, क्योंकि ना कोड बहुत बड़ा होगा और बड़े कोड में से छोटा सा कोड निकालना खुद के लिए टास्क होगा, बट एक्सपीरियंस काफ़ी दे जाएगा। बट इतना ईजी भी नहीं है, मतलब इतना हार्ड भी नहीं है। इंस्पेक्ट पर जाना, सिंपल आप इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना। ये देखो इस ब्लॉक को सिलेक्ट किया, यहाँ पे देख रहे हो कि ये कोई ये वाला डिव है, कंटेंट, इतना सारा कंटेंट है। ये एक रो है, ये रहा देखो, ये देख रहे हो ये सिलेक्ट हो गया, तो मतलब ये कोड है। अब इसमें आप डेटा निकाल लो धीरे धीरे करके। क्विक एग्जांपल दिया हुआ है, तो आपको ना उन फाइल में जाके अपना व्यू ढूंढना है कि कौन सा व्यू में कॉल हो रहा है। व्यू ये है कोई फॉर्म का जनरल, उस व्यू को खोल के ये कोड देख लेना। तो ये वाला डिव उठा लेना, डिविजन, और इसमें जो बनाया उसमें पेस्ट कर देना। ऐसे करके सीखोगे ना तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन अप होता रहेगा। तो जैसे आपने व्यू बना लिया, अब इसी वीडियो में दिखाया भी होगा कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट को एडिट डिलीट कैसे करते हैं, तो वो भी आपने कर लिया ऐसे देख देख के। ठीक है, ऐसे फ्लो से चलते चलते करोगे ना तो आप इतने बड़े सिस्टम को एक इतने अच्छे नीट एंड क्लीन यूजेबल सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दोगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर डेली के आप 2 या 2.5 घंटे दोगे तो आप विद इन 14 to 21 days एक रफ स्ट्रक्चर बना के रेडी कर सकते हो और कस्टमर को दे सकते हो कि सर बन चुका है, यूज़ कर लो, इसमें जो जो कमियाँ पेशी होंगी मेरे को बताना, मैं इसको धीरे धीरे सॉल्व करूँगा। तो अब आप खुद नोटिस करो इसकी प्रैक्टिकलिटी। पहले आप क्या लिखते थे, आई हैव डन फुल स्टैक डेवलपमेंट फॉर फलाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ये है मेरा सर्टिफिकेशन। अब आप अपने CV में लिख रहे हो, आई हैव डन अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट फॉर अ रियल कस्टमर इंक्लूडिंग दिस टेक्नोलॉजी टू सॉल्व दिस पर्पस। अब देखो माइंड गेम समझो इसका, जो आपका इंटरव्यूअर है ना, पहले उसके पास एक चॉइस था कि फुल स्टैक में से कुछ भी पूछे, बट उसने देख लिया ना इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है इसने यार, रियल कस्टमर। बाकी जो बच्चे थे उन्होंने तो ऐसे ही लिखा था, इसने रियल कस्टमर साथ क्या किया है। तो जब ये चीज़ देखेगा ना तो इंटरव्यू थोड़ा बहुत ना उसी प्रोजेक्ट के रिवॉल्व राउंड क्वेश्चन ही पूछेगा आपको,
और आपको यूं यूं आप आंसर दे रहे होगे, क्योंकि वो पूछ लेगा कि अच्छा डिस्प्ले बनाई थी, इसमें आर्किटेक्चर क्या है, कौन सा फ्रेमवर्क है, पीएचपी आपने कौन सा फंक्शन कॉल किया, इसमें वैलिडेशन लगी है, व्यूज़ कितने हैं, कंट्रोलर्स क्या हैं, डेटाबेस कैसे बनाएं। तो ना जब आप इसको आंसर भी करोगे ना आपको मज़ा आएगा, क्योंकि जो आपने किया है ना वही बताया जा रहे हो, आप फुल स्टैक का कोर्स करते हो तो क्या कोर्स में भी ऐसे कुछ करते हो, बट ना इतना यू नो इंटरेस्टिंग नहीं होता, क्योंकि वो कोर्स आपने किया, प्रोजेक्ट बनाया, ख़त्म। अब ये ना देखो, आपने जैसे एक सिस्टम बना दिया, अब आपने उसको कस्टमर को दे दिया है, कस्टमर आपका दिमाग खा जाएगा, चाहे फ्री में दिया हो कि यार ये तो चल नहीं रहा, यार ये तो इसमें है ही नहीं, ये तो उसमें है ही नहीं, तो आप इसमें ना रिवॉल्व राउंड होते रहोगे और अपडेट देते 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 नेक्स्ट टाइम जैसे ये था, आपने मान लो शर्मा क्लिनिक को फ्री में दिया, आप इसको अब इसको कॉल करके बोल सकते हो कि मैंने शर्मा क्लिनिक को दिया था, वो यूज़ कर रहे हैं हैप्पीली, क्या आप एक यूज़ करना चाहेंगे एट मिनिमल प्राइस, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने बनाया है, तो यस 90% चांस है ये भी हाँ बोल देगा, और इसी तरह आप इससे पैसे अर्न करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका प्लेसमेंट के लिए पर्पस एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है, प्लेसमेंट क्रैक करने के चांस भी अच्छे खासे हो गए, प्लस आप एक स्किल को रीडेवलप किए जा रहे हो डेली बेसिस पे, थर्ड आप इससे पैसे भी कमाने स्टार्ट हो चुके हो। तो है ना ये ऑल इन वन ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, चाहे आपने ऑनलाइन से पढ़ी हो या फिर ऑफलाइन से पढ़ा हो, डजंट मैटर, ये वाला आप ट्राई करना। फिर से और भी दे देता हूँ, एक वीडियो देख लो ये वाली, ये बना लो, उसके बाद कहाँ गया ये हमारा कोड गेट ओरियंट से जाके ये डाउनलोड कर लो, ठीक है, और छेड़छाड़ करना, ऑपरेशन करना शुरू कर दो। आप भी एक डॉक्टर ही हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप सॉफ्टवेयर के अंदर सर्जरी कर रहे हो, देखो ये एक बॉडी है, इस पे आप लोग सर्जरी किए जा रहे हो, इसमें से ये निकाल लिया, उसमें से वो निकाल लिया, यहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, मज़ेदार तरीके से करना। तो अगर वीडियो यूज़फुल और ये लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि देखो अभी मैंने ओवरव्यू दिया है, मेरा मन तो था कि मैं पूरा बनाना सिखाऊं, बट बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इतने ऑडियंस मेरे पास है नहीं, और जितने ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचे उतना बेटर होता है। तो इन फ्यूचर अगर मेरा चैनल ग्रो करता है, जो कि करेगा आई नो, तो श्योरली आई विल मेक दिस काइंड ऑफ कंटेंट एज वेल। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।